बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सहित उनका बेटा अभिषेक, उनकी बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। मुंबई के नानावटी अस्पताल में इन चारों का इलाज चल रहा है। ऐसे में इन सभी के शुभचिंतक सोशल मीडिया के जरिए जल्द से जल्द इनके ठीक हो जाने की कामना कर रहे हैं। कुछ समय तक घर पर क्वारंटीन रहने के बाद जब ऐश्वर्या में कोरोना के सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई पड़ने लगे, उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद फैंस, फिल्मी हस्तियां ऐश्वर्या के ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। खैर, आपको बता दें, बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड सितारों तक ऐश्वर्या के ठीक होने के लिए कामना कर रहे हैं। हॉलीवुड सिनेमा के मशहूर अभिनेता स्टीव मार्टिन ने ऐश्वर्या के जल्द ठीक हो जाने को लेकर एक ट्वीट किया है। स्टीव मार्टिन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं, जिसे आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। वो लिखते हैं, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूँ। वो फिल्म पिंक पैंथर में काम करने वाली बेहद शानदार और खुशमिजाज पार्टनर थी। स्टीव मार्टिन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, स्टीव मार्टिन के अलावा हॉलीवुड एक्टर और WWE के दिग्गज रेसलर जॉन सेना ने ऐश्वर्या के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से ऐश्वर्या राय बच्चन की फ़ोटो साझा करते हुए जॉन सेना ने ऐश्वर्या के ठीक हो जाने को लेकर प्रेयर की है। खबरों की माने तो ऐश्वर्या को लगातार बुखार की शिकायत हो रही है। डॉक्टर्स उनका चेकअप करने के लिए घर पहुंचे, डॉक्टर को उनमें कोरोना के कुछ लक्षण नज़र आए। उन दोनों का दोबारा, यानी ऐश्वर्या और आराध्या दोनों का दोबारा COVID-19 टेस्ट हुआ। टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया। इन दोनों को घर पर क्वारंटीन किया गया। एक दो दिन बाद लक्षण और भी ज़्यादा बढ़े, तब जाकर इन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ की ओर से हम यही कामना करते हैं, ऐश्वर्या आराध्या जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाएं। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।